हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा चौधरी। आज बनाने जा रहे हैं हम बीन्स की सब्ज़ी। हमारे तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल रहे हैं सरसों हींग। ये बन चुकी है, इसमें डाल रहे हैं हम लहसुन। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसमें अब डाल रहे हैं आलू। दो मिनट आलू फ्राई होने देते हैं हम। आलू हमारा अभी तक फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं बीन्स कटी। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं प्याज और टमाटर। इन्हें मिक्स कर लेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। अभी हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच गरम मसाला। एक चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। इन्हें मिक्स कर देंगे। बंद कर देंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और 10 मिनट बाद इसे देखते हैं कैसी बनती है। यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप उसको, ये मैंने पानी लिया है और इसमें मैंने ये सेब छील के डाल दिए हैं बारीक काट के। अब इसे हम बॉईल करेंगे अच्छे से। चलिए हम इसे बॉईल करते हैं और बाद में बताते हैं क्या करना है। चलिए देखते हैं खोल के। ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे बर्तन में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी बनी है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है, एकदम मस्त बनी है, खिली खिली सब्ज़ी है। चलिए यहाँ पे रखा हुआ था हमने सेब, हम इसे दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है, इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे। तो हमें इसे क्या करना है, इसका ये पानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध और चीनी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नॉर्मल सा पेस्ट बनाना है हमें। और हमें 6 मंथ का बच्चा होता है, उसके ऊपर से बच्चे को हम इसे खिला सकते हैं। आपके घर में छोटा बच्चा है तो प्लीज़ उसे ये सब खिलाइए, बहुत अच्छा रहता है। नवी जी, सोनू जी और शिखा जी और रूबी जी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और कमेंट भी किया है, आपको दिल से थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसे मैं पूरा दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और ये आपको अच्छी लगी तो बताना और ये रेसिपी ट्राई करना, ये बहुत अच्छी लगती है, बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो तब तक के लिए बाय बाय।